गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम आ रही है हमें इस चैप्टर में और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आ रही है। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी और एक्सेस का मतलब होता है सरप्लस यानी कि ज्यादा। अब या तो हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड हो रही है यानी कि एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हमें हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकती है कि डेफिशिएंट डिमांड है यानी कि जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे भी डिमांड क्या है, कम है। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है कि जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे कम है। कितनी होनी चाहिए? हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होने चाहिए, तब वहां पे जो है इक्विलिब्रियम लेवल होता है और वहां पे फुल जो है एम्प्लॉयमेंट का पाया जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वहां पे होता है। अब लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारी डिमांड है एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से कम है। यानी कि हमारी इकोनॉमी में सप्लाई तो ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन लोग उतनी डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम करना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट कम किया, ठीक है, तो क्या होगा, लोगों के पास इनकम कम आएगी क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोगों के पास इनकम कम जाएगी। अगर कम इनकम जाएगी तो लोग क्या करेंगे, कम खर्चा करेंगे, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होती है, कम। एग्रीगेट का मतलब वैसे क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, यानी कि पूरी इकोनॉमी में सारे लोगों के द्वारा जितने भी लोग हैं वो कितने डिमांड कर रहे हैं, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, जितने भी लोग हमारी इकोनॉमी में हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो जो प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं वो कितना टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं डेफिशिएंट डिमांड की जो है हेडिंग, इसमें क्या दे रखी है। डेफिशिएंट डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है वेर इन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो क्या है, फॉल्स शॉर्ट, यानी कि वो क्या हो रही है, कम हो रही है। किससे? एग्रीगेट सप्लाई से ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये जो है हमने केन्जियन थ्योरी में पढ़ा था कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। ठीक है, वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, कम है। किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो तो ज्यादा हो रहा है। अब लोग क्या कहेंगे कि हाँ भी अब हमें अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तभी तो जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल आ सकेंगे। तो हमें अपना प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब अगर प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है तो लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा प्रोडक्शन तो थोड़े लोग भी कर लेंगे तो बाकियों को तो काम से निकाल दिया जाएगा। तो वहां पे कौन सी सिचुएशन अराइज हो जाएगी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोग काम तो करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन वहां पे अराइज हो जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एग्रीगेट डिमांड कम होने का, रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी रिमेन पार्टली यूटिलाइज इंडिकेटिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ ही रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, बाकियों को काम से बाहर निकाल दिया। अब इसमें क्या है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब फॉल इन द इनकम लेवल। अब इनकम लेवल क्या हो जाएगा, लोगों का कम, तो इससे जो है आउटपुट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी के अंदर क्या करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कम किया, इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी तो डिमांड भी कम होगी, तो ये डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन जो है अराइज हो जाएगी। अब आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है डेफिशिएंट डिमांड के, इसमें डिफ्लेशनरी गैप भी दिखाया जाएगा। अब देखना कि जो है इसमें अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो इसमें डिफ्लेशनरी गैप होगा, अगर एक्सेस डिमांड है तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई अगर एग्रीगेट डिमांड जो है कम हो जाती है तो प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, कम। क्योंकि हमने डिमांड वाले चैप्टर में सीखा था ना कि हाँ भाई अगर प्राइसेस कम होते हैं तो ही लोग डिमांड क्या करते हैं, ज्यादा। अब एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो रही है तो प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब देखिए वाई एक्सिस पे ले लिया हमने एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम एडी के नाम से भी डिनोट करते हैं, और ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ले लिया। यहाँ पे आपको पता है ए एस और वाई सेम है, यानी कि हम इसको नेशनल इनकम से भी डिनोट करते हैं ना। अब जो ए एस है वो क्या है, हमने बिल्कुल स्ट्रेट लेनी होती है 45 डिग्री के एंगल पे। अब देखो कि जो पहले डिमांड है, यानी कि ये पहले डिमांड क्या है, एडी वन है।
अब आपको पता है जो एग्रीगेट डिमांड जो है वो किस तरीके से निकलती है, सी प्लस आई, यही फॉर्मूला होता है ना डिमांड निकालने का। अब आगे क्या है, ये तो पहले इतनी डिमांड थी और इतनी यहाँ पे सप्लाई थी, आपस में यहाँ पे जो है यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे ई पॉइंट पे क्या है, ई पॉइंट क्या शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम। अब क्या कर दी लोगों ने, डिमांड कम करनी स्टार्ट कर दी। अब अगर डिमांड बढ़ती है तो ऊपर की तरफ जाती है, अगर डिमांड कम होती है तो नीचे की तरफ आएगी। तो ये नीचे की तरफ ये वाली जो है एग्रीगेट डिमांड, ये टू हो गई। ये किसकी वजह से हुई है, सी प्लस आई तो ये बनता ही है, माइनस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट वो भी क्या हुआ है, नेगेटिव, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो क्या हो गया और भी ज्यादा कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये जो बीच की जो सिचुएशन है यहाँ पे, ये क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है। अभी यहाँ पे ये वाली पहले एग्रीगेट डिमांड ये वन थी, अभी नीचे हो गई, तो ये डेफिशिएंट डिमांड है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम कौन सा गैप कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। और यहाँ पे जब वो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई थी ना, तो इस पॉइंट पे तो क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी। और लेकिन अब यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अगर हम और लोगों को काम पे लगाएं तो देखिए प्रोडक्शन जो है और बढ़ा सकते हैं हम इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो और भी ज्यादा ये डायग्राम जो है आपको इजिली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सेम ही बनाना है। अब ये यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे वही दिया है, अब वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड ही दी है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आपको तो डायग्राम सेम लग रहा होगा, लेकिन इसमें तो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई तो जो है ऊपर की तरफ जा रही है। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरीके से वाई एक्सिस पे यहाँ पे ए एस इतना लेके फिर हमने क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ, यानी कि सिर्फ हम इस लेवल तक ही सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, इससे आगे हम सप्लाई को बढ़ा ही नहीं सकते। यानी कि अगर हमें लोगों को काम पे भी लगाना है तो हम इतने लेवल तक ही लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो यानी कि यहाँ पे अगर एग्रीगेट डिमांड मिल रही है तो यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो यहाँ पे क्या है, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है। अब इस पॉइंट से अगर नीचे डिमांड चली जाती है उसको क्या कहते हैं हम, एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो रही है, और इन दोनों के बीच को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डायग्राम बना सकते हैं। आगे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। अगर डिमांड जो है कम हो रही है तो क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आउटपुट लोग आगे से कम जनरेट करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे पहले एग्जिस्टिंग स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा है। इम्पैक्ट ऑन द जनरल प्राइस लेवल, अब जो है प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, अब पहले प्राइस पी था, अब डिमांड कम होने से प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम। तो इसको क्या कहते हैं, प्राइस इस तरीके से कम होने को डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब इन्वेस्टमेंट कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम होने से अब लोगों की इनकम कैसे कम हुई है। अब देखो पहले ही हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा है, तो अब तो थोड़ा बहुत ही हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करने के लिए थोड़ा बहुत ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर आगे प्रोडक्शन भी करना पड़ा तो अब अगर थोड़ा ही प्रोडक्शन करना है तो थोड़े लोगों को ही काम पे लगाया जाएगा, अगर थोड़े लोगों को काम पे लगाया जाएगा तो बाकी को तो काम से निकाल दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट पे इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, यानी कि इसके कुछ परिणाम थे। ठीक है, तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम एक्सेस डिमांड वाले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारे पास छोटा सा टॉपिक है उसका नेम क्या है, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। एक्सेस का मतलब सरप्लस होता है, सरप्लस यानी ज्यादा डिमांड। ठीक है, अब जो है लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है वो तो कम है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा। अब देखो अगर डिमांड ज्यादा है, इतनी सप्लाई है नहीं, अब शॉर्ट टाइम पीरियड में हम क्या प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं वो शॉर्ट टर्म में ही पढ़ते हैं। अब थोड़े टाइम पीरियड में हम सप्लाई कैसे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। तो अब जब सप्लाई बढ़ेगी ही नहीं, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर अब ये देखो कि लोग एक्सेस डिमांड करते क्यों है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर जो लोग मनी की सप्लाई, अब जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो जाती है, ज्यादा। अब मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं तो वो खर्च करेंगे ना, तो इसलिए जो है वो डिमांड क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। अब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, ज्यादा। किससे ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई से।
कोरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब देखो कि हमारी इकोनॉमी में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उस वक्त तो ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, लेकिन अब उससे भी ज्यादा जो है लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो अब जो है डिमांड बढ़ाए जाओ, वो क्या कर देंगे, अपना प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती। तो अब इसमें जो है इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उसकी हेल्प से चलो हम समझते हैं। वाई एक्सिस पे एडी दिया हुआ है यानी एग्रीगेट डिमांड, और ओ एक्स एक्सिस पे इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। मैंने आपको इसका एक इजी तरीका बता रखा है कि यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे ये जो हमने सप्लाई इतनी से बनाई, फिर उसके बाद जो है सप्लाई क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। अब ये जो पॉइंट है वो क्या है, ई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, और यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक जो है हमने एडी वन जो हमने बनाया है ये इसकी डिमांड, और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे सी प्लस आई से ये क्या बना है, हमारी एग्रीगेट डिमांड बनी है, ठीक है। अब देखो कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, अब यहाँ तक जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है। अब लोगों ने क्या काम कर दिया, अब आगे तो हम एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है। अब लोगों ने क्या काम किया है, अपनी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या कर दी, एडी से एडी वन कर दी, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ तक, यहाँ पे क्या है, ये एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड होने की वजह से ये क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है, ठीक है। अभी किस तरीके से हुआ, लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी, स्टार्ट कर दी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा आउटपुट आएगा, ठीक है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, इनकम ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं लोग खर्चा करेंगे, तो उन्होंने डिमांड बढ़ा दी। अब रीजंस क्या है एक्सेस डिमांड होने के, राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब उनकी जो प्रोपेंसिटी है, ठीक है, खर्च करने की, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि वो अपने इनकम का बहुत ज्यादा पार्ट खर्च करते हैं, सेव करने में उनका कोई भी बिलीव नहीं है, उन्होंने अपना पैसा खर्च करना है, अगर वो ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा डिमांड करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब अगर मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, अब उनको टैक्स में तो पैसा देना नहीं है, अब वो उनके पास पैसा बचा हुआ है तो वो डिमांड ज्यादा करनी स्टार्ट कर देंगे। डिक्लाइन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब क्या है, अपने देश में कोई बाहर वाली कंट्री से सामान मंगवाना, वहां से उन्होंने मंगवाना कम कर रखा है, ठीक है, अब वो अपने देश में तो डिमांड बढ़ाएंगे। राइज इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट उन्होंने बढ़ा दिया, अगर एक्सपोर्ट बढ़ाया है उन्होंने तो दूसरे देशों से भी तो पैसा आएगा, अब ज्यादा पैसा आएगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो जो है लोग एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देगी, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड, तो इसकी वजह से होगा क्या, इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। अब लोग सोचेंगे कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो हमें आउटपुट भी बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अब देखो यहाँ पे इनवॉलेंट्री तो एम्प्लॉयमेंट वाली कोई सिचुएशन आती नहीं है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट लगा के ही डिमांड ज्यादा हो रही है तो अब इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगी नहीं, यानी कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन द जनरल प्राइस लेवल, अब जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या हो जाएगा, पहले से ज्यादा, पहले प्राइस पी था अब क्या हो गया पी वन, तो ये किसकी वजह से हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। अब इन्फ्लेशन की वजह से हुआ तो ये क्या बढ़ेगी, आगे महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक्सेस डिमांड वाला छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो है इसका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो है छोटा सा हमारा टॉपिक है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में जो है छोटा सा डिफरेंस है। अब इसका मीनिंग क्या कहा गया है इसमें एक्सेस डिमांड में, कि जो एग्रीगेट डिमांड है, एक्सेस डिमांड है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई से। अब इसमें क्या होता है कि जो डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, किससे कम है, हमारी एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से कम है। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, इसमें इन्फ्लेशनरी गैप होगा, क्यों, क्योंकि अगर जो प्राइसेस है वो क्या होंगे, इसके अंदर बढ़ेंगी, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी, तो इसमें इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा गैप आता है, डिफ्लेशनरी गैप, प्राइसेस कम होने की वजह से, और वैसे भी जो है डिमांड क्या है, कम हो रही है, तो उन दोनों के बीच का गैप, जो पहले डिमांड थी और जो अब डिमांड है, उन दोनों के बीच के गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल, इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम लेवल होता है, इसमें फुल इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है और इसके अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें जो है आउटपुट क्या होगा, हमारा कम होगा। अब आउटपुट इसमें कम क्यों होगा, क्योंकि पहले ही जो स्टॉक हमारे पास बहुत ज्यादा पड़ा है, तो इसलिए जो है आउटपुट इसमें कम होगा। अगर आउटपुट कम जनरेट करना है तो लोगों को भी हम कम काम पे ही लगाएंगे। रीजन क्या है, अब इसमें एक्सेस डिमांड में लोग क्या करते हैं, खर्चा करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्च करते हैं। इसमें क्या है, शॉर्टेज होती है एक्सपेंडिचर करने में, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे
कम खर्चा करेंगे। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें जो है जितना हम एम्प्लॉयमेंट कर सकते थे क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जितनी सप्लाई बढ़ा सकते थे हमने सारी बढ़ा ली, लेकिन अब इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि इकोनॉमी पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इसके बाद वो क्या बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा तो लोग भी नहीं है। नेक्स्ट है इट लीड्स टू फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसके अंदर जो है सब कुछ कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड के कम होने से। प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब कि जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे, जिसमें क्या होगा डिफ्लेशन आएगी, जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से छोटा सा डिफरेंस है। तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है अब इस चैप्टर का साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। अब साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आ रही है इसमें। अब ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्यों आती है, अब जो हमारे पास बिल्कुल सही कंडीशन तो होती है वो तो क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। अब लेकिन जो है एग्रीगेट डिमांड भी वो कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, इसके भी काफी सारे रीजंस होते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड और जो है एग्रीगेट सप्लाई जब एक दूसरे के इक्वल हो तब तो जो है सही सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। अब इसमें जो है अब हम इसमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस पढ़ेंगे। अब इसमें बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो है अगर मान लो एक्सेस डिमांड होती है, ज्यादा डिमांड होती है तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आता है, तो उससे क्या होगा बूम बढ़ जाएगा। ठीक है, जो बूम है बूम की सिचुएशन अराइज हो जाएगी, यानी कि मार्केट में तेजी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर एग्रीगेट डिमांड जो है अगर वो कम हो जाती है, अगर लोगों ने डिमांड करनी कम स्टार्ट कर दी तो क्या आ जाएगी रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, फिर मंदी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम पीरियड के बाद जो है वो क्या होगी धीरे 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 डिमांड जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब जब डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे हम रिकवरी। अब जो थोड़े टाइम पीरियड के बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी फिर वही बूम की सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो इस तरीके से साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है बूम की सिचुएशन है, वाई एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बूम की सिचुएशन है, बूम सबसे ऊपर होता है, फिर जब ये इस पॉइंट पे आ जाते हैं इसको क्या कहते हैं रिसेशन, जब डिमांड कम होने लगती है, जब एक लेवल तक डिमांड और भी ज्यादा कम हो जाती है फिर डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, फिर डिप्रेशन के बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़नी स्टार्ट होती है तो रिकवरी स्टार्ट होती है। अब जब रिकवरी धीरे धीरे होती रहेगी लोग डिमांड जो ज्यादा बढ़ाते रहेंगे फिर वही बूम की सिचुएशन, फिर आगे अगर हम इसको आगे इसी तरीके से बनाए फिर वही रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, यही जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा छोटा सा टॉपिक है और यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। फटाफट से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।